मूवी की शुरुआत में हम हमारे प्रोटैगनिस्ट की आवाज सुन पाते हैं जिसका नाम जोल होता है। जोल हमारी दुनिया में घटे हुए हादसों की डिटेलिंग दे रहा था। जोल के हिसाब से दुनिया खत्म हो गई है और यहाँ पर खत्म का मतलब है कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही। असल में बात ऐसी थी कि अगाटे 616 नाम का एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ तेजी से आया था और उस एस्टेरॉयड को मिटाने के चक्कर में हम इंसानों ने रॉकेट लॉन्च किए और एस्टेरॉयड से बच तो गए थे, लेकिन रॉकेट के अंदर के केमिकल कंपाउंड जो थे वो एसिड रेन बनकर अर्थ के ऊपर ही बरसने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारे कोल्ड ब्लडेड क्रीचर जो थे जैसे कि एंट्स, लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, क्रोकोडाइल सब कुछ म्यूटेट हो गए, यानी कि उनके डीएनए के अंदर बदलाव आ गया था। वो जायंट बनकर हम ह्यूमन बींग्स को ही खाने लग गए, जिससे कि टॉड नाम का एक लड़का जो होता है उसकी गोल्ड फिश ने जायंट बनकर उसको और उसके कैट को ही खा लिया। मतलब बात यहां तक आ चुकी थी कि अगर हमको अभी कॉकरोचेस को मारना है तो एक गन शॉट या फिर एक मिलिट्री टैंक की जरूरत पड़ने वाली थी। दुनिया की 95% पॉपुलेशन उस साल खत्म हो गई थी। जो अभी इंसान बचे थे वो बंकर्स, केव्स या फिर पैनिक रूम्स यहाँ पर छुपने की वजह से बच गए थे। जोल भी पिछले 7 सालों से अंडरग्राउंड बंकर के अंदर ही रह रहा होता है, जिसको ये लोग कॉलोनीज भी कहते हैं। अब इस बंकर के अंदर और भी लोग थे, लेकिन जोल के अलावा यहाँ पर सारे कपल्स थे और पिछले ही साल एक कपल का बेबी भी हुआ था। अब सब लोगों ने अपनी लाइफ इसी बंकर के अंदर एडजस्ट कर ली थी क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। अब बंकर के अंदर अचानक से कोई आवाज आती है और सब अपने वेपन इकट्ठा करने लगते हैं और उसमें से 4 लोग उस स्पीशीज को मारने जाते हैं। जोल को कोई भाव नहीं देता और सबके हिसाब से जोल एक डरपोक इंसान था। कुछ ही देर में पता चलता है कि उस स्पीशीज ने 4 में से 2 को मार दिया है और तब तक जोल बाकियों को बचाने जाता है और उस जगह पर एक जायंट एंट था जिसने की इस कॉलोनी के अंदर अटैक किया था। जोल उस जायंट एंट को देखकर एकदम जम जाता है और ये उसकी चाइल्डहुड से ही दिक्कत थी, लेकिन उसके बाकी टीम मेंबर्स उस एंट को शूट करते हुए इस बंकर और जोल दोनों को बचा लेते हैं। अब कहानी हमें 7 साल पहले फेयरफील्ड कैलिफोर्निया में ले जाती है, जहां पर जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ में डेट इवनिंग स्पेंड कर रहा था। जोल अब एमी की एक ऑकवर्ड ड्राइंग बनाता है जिस पर दोनों हंसते हैं और एमी जोल के लिए कलर पेंसिल्स का सेट लाती है। दोनों बात करते करते इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि शहर के अंदर अचानक से सायरन और फायर क्रैकर्स जलाए जा रहे थे। अब ये सब देखकर एमी और जोल वहां से निकल जाते हैं और हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि ये सब फायर क्रैकर्स नहीं थे बल्कि मिलिट्री टैंक्स थे जो कि एक मॉन्स्टरस क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कहानी अब फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां पर जोल एमी के दिए हुए कलर पेंसिल से उसी एंट की ड्राइंग बना रहा था जिसने कॉनर को मार डाला था। ये कॉलोनीज एक दूसरे के साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी से कम्युनिकेट किया करते थे और एमी की फ्रिक्वेंसी थी 3022 और जोल ने इससे पहले 90 फ्रिक्वेंसीज को कॉल किया था एमी को ढूंढने के लिए और दोनों एक दूसरे से कॉनर की डेथ की बात करते हैं और पुराने दिनों को भी याद करते हैं। अब बात करते वक्त एमी का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और सीन फिर से 7 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर एमी और जोल उसी कार में जोल के घर सायरन की आवाज सुनकर पहुंचते हैं। जोल के पेरेंट्स जल्दी से उसको पैक करके निकलने के लिए कहते हैं। बेसिकली सभी लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन एमी को अपने मॉम को भी चेक करना था। एमी जोल को अपना गुड लक चाम देती है और जोल एमी से वादा करता है कि वो उसको ढूंढ लेगा। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर सभी लोग बंकर के अंदर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो एंड बंकर के अंदर आया कैसे। उसी दौरान जोल सबसे कहता है कि वो एमी के बंकर की तरफ जा रहा है और सब उसको रोकते हुए कहते हैं कि एमी का बंकर 85 माइल्स दूरी पर है और वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। उनका कहना था कि एक वेल ट्रेन्ड फिजिक वाला आदमी 50 माइल्स तक ही सरवाइव कर सकता है, लेकिन जोल उनमें से बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसको खुद का भी बचाव करना नहीं आता। लेकिन जोल अब एमी के बिना रह नहीं सकता था और वो इसी तरह से डरते हुए अकेले नहीं जीना चाहता। अब कैरन उसे रोड मैप देती है और रे उसको एडवाइस करता है कि अगर कोई खतरा दिखे तो अपनी खूबियों का फायदा उठाए, और जोल काफी तेज दौड़ा करता था और उसकी हाइट भी काफी कम थी, तो कोई खतरा आए तो फाइट करने के बजाय वो भागे और छुप जाए। जोल अब फाइनली 7 साल बाद अपने बंकर से बाहर निकला था और आगे चल पड़ता है और चलते चलते उसे कुछ आवाज आती है, तो पास वाले घर के अंदर जोल छुपने चला जाता है। अब वो जैसे ही उस घर के फ्रिज को खोलता है तो वो किसी क्रीचर को देखकर फ्रिज बंद कर देता है। वो घर से बाहर भाग कर आता है तो एक जायंट फ्रॉग उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक डॉग जोल की जान बचा लेता है। जोल उसी डॉग को फॉलो करते हुए एक बस के अंदर जाता है। उस बस के अंदर हर जगह बॉय लिखा हुआ था, तो जोल को ऐसा लगता है कि बॉय इसी डॉग का नाम है और उस बस के अंदर वो डॉग अकेला ही रहता था। अब एक रेड ड्रेस भी साइड में पड़ी हुई थी, तो जोल को अंदाजा हो जाता है कि ये सारा सामान बॉय के ओनर का है। जोल और बॉय दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब अगले दिन जोल उस डॉग और उस मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाता है और उसको लगता है कि शायद से डॉग्स भी उन मॉन्स्टर की कमजोरी होगी, मतलब वो डॉग से डरते होंगे। तब जोल बॉय को बाय बाय करते हुए निकल ही रहा होता है कि
तभी बॉय भी जोल के साथ चलने लगता है और बॉय अपने साथ उसके ओनर की ड्रेस भी लेकर आया था। अब रास्ते में खाने के लिए जोल कुछ बेरीज को तोड़ता है लेकिन बॉय उसको रोक देता है और तब जोल को समझ में आता है कि वो बेरीज खाने लायक नहीं है, वो जहरीली है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते जोल एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर वर्म मॉन्स्टर थे जिन्हें सैंड गॉबलर्स भी कहा जाता था। वो जोल पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी दो सर्वाइवर्स जिनका नाम क्लाइड और मिनो होता है जो कि 8 साल की थी, वो उसको रस्सी से खींचकर बचा लेते हैं। मिनो सैंड गॉबलर्स को ग्रेनाइट से उड़ा देती है। अब आगे ये सब साथ में चलने का फैसला करते हैं और चलते चलते जोल अपनी और एमी की सारी कहानी बताता है और क्लाइड उस पर हंसते हुए कहता है कि कोई सर्वाइवल स्किल्स के बिना तुम्हें उस सेफ कॉलोनी को छोड़ना नहीं चाहिए था। तब मिनो बातों ही बातों में बताती है कि उसके डैड और क्लाइड का बेटा एलियट भी साथ में क्रीचर्स द्वारा मारे गए थे। क्लाइड अब जोल को सर्वाइवल के कुछ टिप्स भी देता है, सबसे पहले कि कभी भी ऊंचाई पे जाकर जैसे कोई पहाड़ वगैरह पे चढ़कर चेक किया करो और ऊंचाई हमको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को स्पॉट करने में मदद करती है। टिप नंबर 2 ये था कि ये सारे मॉन्स्टर्स इंसान की बॉडी सेंट को पकड़कर उसको फॉलो करते हैं। तब जोल कहता है कि अच्छा है कि फिलहाल उनका कोई मॉन्स्टर पीछा नहीं कर रहा है और तभी क्लाइड ये कहता है कि ऐसी गलतफहमी कभी मत पालना। वो यहाँ पर क्लम्बर्स का जिक्र करता है जो कि एक स्पीशीज होती है। वो जोल की बॉडी सेंट से उसको फॉलो कर रहा था लेकिन क्लम्बर्स जनरली स्लो होते हैं तो वक्त लगेगा उनको जोल तक पहुँचने में। अब आगे जोल क्लाइड और मिनो से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं और तब जाकर वो दोनों बताते हैं कि वो नॉर्थ साइड के पहाड़ों के अंदर स्नो माउंटेन वाइल्डनेस नाम की एक कॉलोनी में जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं और वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड है और ये ठंड जो होती है वो मॉन्स्टर्स को दूर रखता है। मिनो जोल के साथ चलने को कहती है लेकिन जोल को एमी को ढूंढने जाना था। अब बात करते करते अचानक से क्लाइड जोल को चुप रहने और अपनी टी शर्ट जल्दी निकालने को कहता है। वहाँ पर एक जाइंट स्नेल आ चुका था और क्लाइड जोल की टी शर्ट को स्नेल की पीठ पर रख देता है। क्लाइड और मिनो कहते हैं कि सब मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते, आप उनकी आंखों में देख कर कह सकते हो कि वो डेंजरस हैं या फिर नहीं। इनफैक्ट एक अच्छे मॉन्स्टर ने तो क्लाइड और मिनो की जान भी बचाई थी। अब उस टी शर्ट की वजह से क्लम्बर्स कंफ्यूज हो जाएंगे एज जोल की बॉडी सेंट हर जगह फैल जाएगी। अब एक फायर प्लेस की जगह सब शेल्टर ले लेते हैं और तब जोल अपने ड्रॉइंग्स की बुक क्लाइड को दिखाता है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स के नोट बनाई हैं जिनसे भी उनका एनकाउंटर हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली फेयरफील्ड में वो अपने पेरेंट्स को बचा नहीं पाया था। क्लाइड ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है कि फेयरफील्ड से वो आज तक किसी सर्वाइवर को नहीं मिला और जोल को अप्रिशिएट भी करता है कि ये ड्रॉइंग बुक इतने काम की है एंड एटलीस्ट ये किसी न किसी की तो जान बचा ही लेगी। और अब सब आगे बढ़ने लगते हैं। जोल अब अपनी किताब के अंदर नोट्स बनाता है कि उसको कुछ इंसानी दोस्त मिले और वो उससे तीरंदाजी की प्रैक्टिस रोज करवाते हैं। उसको कई सारे टिप्स देते हैं जैसे कि रास्ते का शॉर्टकट कभी ना लो, अपने सॉक्स को हमेशा सुखाया करो, दोनों में से एक ही चीज चूज कर सकते हैं या तो गर्म खाना या फिर आराम की नींद क्योंकि गर्म खाने की सेंट से भी मॉन्स्टर्स वहां आ सकते थे। क्लाइड अब उसको और भी सारी चीजें सिखाता है स्पेशली बीज के बारे में, दैट क्वीन बी से बचकर रहना, वो तुमको 2 टुकड़ों में काट सकती है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। खैर अब क्लाइड मिनो और जोल के रास्ते अलग होने वाले थे। क्लाइड अब उसको ग्रेनाइट देकर अलविदा करता है और उससे किसी भी सिचुएशन में अपनी सोच का इस्तेमाल करने को कहता है। जोल और उसका डॉग यानी कि बॉय अपने रास्ते एमी के पास निकल पड़ते हैं। अब जोल और डॉग कुछ ही दूर गए थे कि तभी डॉग कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है एज इफ उसको किसी चीज का एहसास हुआ हो। बॉय एक डग जैसे पुतले के पीछे छुप जाता है और तब वहाँ पर हम अचानक से एक बड़े से कान खजूरे को देख पाते हैं। जोल अपने बो एंड एरो से अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से वो फिर से फ्रीज हो जाता है जो कि उसके बचपन की प्रॉब्लम थी और तभी कान खजूरा जोल को गिराकर बॉय के पीछे लग जाता है। अब जोल को पास्ट में अपने पेरेंट्स के विजन आने लगते हैं कि वो कैसे उन लोगों को बचा नहीं पाया था और इसलिए ही वो फ्रीज हो गया था। देन वो ठान लेता है कि वो बॉय को बचा कर ही रहेगा और वो कान खजूरे के ऊपर एरो चलाकर उसको गिरा देता है। अब बॉय और जोल अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं यानी कि उसने बड़े कान खजूरे को हरा दिया था। अब बारिश की वजह से ये दोनों एक मोटल के पास में रुकते हैं जहां पर माविस नाम की रोबोट इन दोनों को ही ग्रीट करती है। जोल पहले से ही माविस रोबोट को जानता था एज उसके पुराने बंकर के अंदर भी एक कॉपी थी जिसकी बैटरी ऑफ थी। अब इस रोबोट की बैटरी सिर्फ 51 मिनट ही बची हुई थी और माविस को किसी मॉन्स्टर ने भी काट लिया था। यहाँ पर वो क्रॉल करते हुए आ गई थी कि शायद उसको कोई ढूंढ लेगा। जोल अब माविस को अपनी पुरानी कहानी सुनाता है तो माविस जोल की मदद करते हुए उससे उसका रेडियो उसकी लेफ्ट ओवर बैटरी से चार्ज करने बोलती है और जोल ने रेडियो अपने साथ भी रखा हुआ था कि शायद कहीं उसको चार्ज करके वो एमी से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। जोल वहां से एमी को कॉल करता है और एमी उसको बताती है कि उसकी कॉलोनी को कुछ सर्वाइवर्स बचाने आने वाले हैं और यहां के सारे लोग एक सेफ जगह के लिए निकल जाएंगे। जोल और एमी बात कर ही रहे होते हैं कि कॉल कट हो जाता है एज माविस की बैटरी खत्म होने की कगार पर थी। आगे जोल अपने दिल की बात माविस से शेयर करता है कि शायद उसने कोई गलती तो नहीं कर दी अपनी कॉलोनी को छोड़कर और माविस उसको दिलासा देती है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है और उसको एक ट्रिक भी सिखाती है कि वो जोल को उसका फुल नेम और प्लेस ऑफ बर्थ पूछती है। तब माविस की
मेमोरी से जोल के पेरेंट्स की फोटो दिखाई देती है। जोल कहता है कि अगर उसकी माँ अब सामने होती तो वो अपनी मॉम को जरूर कहता कि वो सरवाइव कर चुका है और एकदम ठीक है। अब आगे वहाँ पर स्काई जेलीज आ जाते हैं और माविस कंफर्म करती है कि स्काई जेलीज ब्यूटीफुल और हार्मलेस होते हैं और जोल के लिए वो एक सॉन्ग भी प्ले करती है। फाइनली माविस की बैटरी बंद हो जाती है और वो ऑफ हो जाती है। अब अगले दिन जोल फिर से अपनी जर्नी में निकल पड़ता है, लेकिन अचानक से ही जोल और बॉय का सामना क्वीन सैंड गॉबलर से हो जाता है। जोल क्वीन का ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन क्वीन सैंड गॉबलर ये बात समझ चुकी थी और वो दोनों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब ये दोनों ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जोल का बैग भागते भागते गिर पड़ा था। साथ ही साथ बॉय के ओनर की रेड ड्रेस भी गिर गई थी। अब बॉय कैसे उस ड्रेस को छोड़ सकता था, क्योंकि वो उसके ओनर की आखिरी निशानी थी। अब सैंड गॉबलर बॉय की आवाज सुनते हुए फिर से अटैक करने आ जाती है और फाइनली हिम्मत करते हुए जोल ग्रेनाइट से सैंड गॉबलर को उड़ा देता है। जोल ब्लास्ट की वजह से पॉन्ड में गिर जाता है और लीचिस उस पर अटैक कर देती है, और इन सब की वजह से जोल डॉग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और तभी वो डॉग यानी कि बॉय भी वहां से चला जाता है। अब जोल अकेले ही आगे बढ़ रहा था एज वो लीचिस जहरीली थी और जोल हेलुसिनेट करने लगा था, और तभी हम देख पाते हैं कि एमी जोल के सामने थी और वो जोल को बचा लेती है। एमी जोल को अपने बीच कॉलोन में लेकर आती है और यहाँ पर सब बुजुर्ग लोग थे और एमी उन सबकी देखभाल कर रही थी। अब एमी सबको जोल से इंट्रोड्यूस करवाती है, खासकर एक शिप कैप्टन ब्रो कैप विल्किंसन से, जो कि सबके लिए न्यू कॉलोनी की तलाश कर रहा था और इसी वजह से एमी यहाँ पर सबकी पैकिंग कर रही थी। कैप्टन भी जोल को नाइट पार्टी पे इनवाइट करता है। अब यहाँ पर एमी से जोल बात करता है कि क्या वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एमी कहती है कि 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन एमी एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करती है जो कि उसने 7 साल से कभी नहीं बताई थी। वो कहती है कि 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है, इंसान की फिजिकल नीड्स होती हैं और फीलिंग्स भी चेंज होती है, और अब वो पुरानी वाली एमी नहीं रही। वो किसी से प्यार करती थी जिसकी मौत पिछले ही साल हुई थी और वो उस चीज से अभी भी उभर नहीं पाई है। जोल को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 7 साल से एमी ने उसको ऐसा कुछ नहीं बताया था। खैर, अब जोल रात की पार्टी अटेंड करता है जिसके अंदर कैप्टन अपनी बड़ाई मार रहा था। जोल कहता है कि अगर वो 7 दिन ग्राउंड में कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में आते हुए सर्वाइव कर सकता है, देन इस कॉलोनी के लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ से सबको निकालने की जरूरत नहीं है। कैप्टन जोल से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो जोल नहीं समझ पाता कि वो क्या कहे, एज उसके पास सर्वाइवल का कोई ठोस प्लान नहीं था। कैप्टन इनडायरेक्टली जोल का मजाक उड़ाता है और जोल फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी कॉलोनी में वापस चला जाएगा, और वो रेडियो के थ्रू उसकी कॉलोनी को कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन फिलहाल वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी जोल की नजर उसी मैप पर पड़ती है जहाँ पर उसकी कॉलोनी वालों ने उसके लिए कम बैक सून के मैसेजेस लिखे थे। अब उसी वक्त जोल की पुरानी कॉलोनी से रेडियो सिग्नल मिल जाता है और वो जोल को एमी की कॉलोनी के अंदर सेफली पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि वो वहां पर पहुंच पाएगा। अब जोल उसकी पुरानी जर्नी उन लोगों से शेयर करता है। अब री जोल को बताता है कि उनकी कॉलोनी फिलहाल सेफ नहीं है, क्योंकि नए नए मॉन्स्टर्स उस कॉलोनी के अंदर अटैक कर रहे हैं, और बात करते करते री की कॉलोनी से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि वहां पर किसी न किसी ने अटैक कर दिया था या फिर बैटरी खत्म हो गई होगी। एनीवेज, अब जोल ये सब सुनकर काफी परेशान हो गया था और वो फैसला करता है कि वो फिर से उसकी वाली कॉलोनी में वापस लौट जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए एक फैमिली जैसी थी। तब जोल की नजर उसी प्लेटर में पड़ती है जिसको कैप्टन ने उसके लिए भेजा था। कैप्टन ने जोल के लिए बियर और वाइल्ड बेरी सेंड की थी जो कि पॉइजनस थी। जोल तुरंत ही एमी को कैप्टन के बारे में वार्न करने जाता है, लेकिन एमी और बाकी सब नशे में धुत थे, और ये वही वाली बेरीज हैं जिसको बॉय ने जोल को खाने से मना किया था। अब जोल बोलता है कि सबको यहाँ से अभी निकलना होगा, एस कैप्टन अच्छा आदमी नहीं है और उसके इरादे नेक नहीं है और वो कुछ प्लान कर रहा है। अब सारे एक एक करके लोग कोलैप्स होकर नीचे गिर रहे थे और तब कैप्टन आकर जोल को एक पंच मारता है, और जब सुबह होती है तो जोल और बाकी लोग बंधे हुए थे। अब कैप्टन अपना प्लान रिवील करता है कि वो और उसके यार्ट वाले यहाँ पर फूड सप्लाई चोरी करने आए हैं और उनके पास यार्ट चलाने का भी फ्यूल नहीं है, तो उनकी यार्ट को एक क्रैब मॉन्स्टर ही पुल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और उस क्रैब मॉन्स्टर को खिलाने के लिए उसे इंसानों की जरूरत है। कैप्टन और उसके लोगों ने इस कॉलोनी का रेडियो टावर भी ब्लास्ट कर दिया था, और अब वो क्रैब नीचे से उठ चुका था और अपनी भूख मिटाने के लिए सबकी तरफ आ रहा था। अब एमी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट में आ गई थी और वो कैप्टन के आदमी से उन सप्लाईज को बचाने भागती है, लेकिन उसको ही मार लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमारा जोल भी क्रैब से फाइट करने लगा था। जोल को समझ आ गया था कि ये क्रैब खतरनाक नहीं है, बल्कि कैप्टन ने इलेक्ट्रिफाइड चेन के साथ इस क्रैब को बांध कर रखा है और उसको वो टाइम टू टाइम शॉक दे रहा था ताकि वो इंसानों को खाकर उनको अलग अलग जगह पर लेकर जाए। बॉय भी जोल की मदद करने वहां पर आ चुका था, यानी कि उस डॉग ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जोल भी क्रैब को अटैक करने के बजाय उसके इलेक्ट्रिफाइड चेन को काट देता है, एज जोल ने क्रैब को फ्री करवाया
गया था, तो बदले में क्रैब आइलैंड को छोड़कर सी की तरफ जाते हुए कैप्टन और उसके लोगों के साथ याट को डुबा देता है। और जैसा कि यहाँ पर मेनो ने बताया था कि सारे के सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, कुछ लोग इंसानों की जान भी बचा लेते हैं। जोल अब एमी से कहता है कि उसको नॉर्थ माउंटेन्स की तरफ जाना चाहिए और वो अपने पुराने कॉलोनी के लोगों को वहाँ पर लेकर आएगा। जोल और एमी अब एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं, यानी कि एमी के मन में अभी भी जोल के लिए फीलिंग्स थी। सबसे बड़ी बात कि जोल बहुत बदल गया था और हिम्मत वाला हो चुका था, जो कि शायद से एमी को काफी अपीलिंग लगा होगा। एमी कहती है कि वो जोल को ढूंढ लेगी। अब जोल अपनी पुरानी कॉलोनी रिटर्न करते हुए उनको भी माउंटेन्स की तरफ ले जाने की तैयारी करता है, यानी कि वही ठंडी वाली पहाड़ी जहां पर मीनो जा रही थी। जोल अब रेडियो पे अनाउंस करता है और बाकी कॉलोनीज को इंस्पायर करता है कि सबको लैंड रूट से नॉर्थ माउंटेन्स की तरफ निकल जाना चाहिए रेदर देन अंडरग्राउंड रहने के लिए, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा सेफ रहेंगे। जोल ने सबको अपनी स्टोरी से इंस्पायर कर दिया था और अब सभी बचे कुचे इंसान अपनी जर्नी नॉर्थ माउंटेन्स की तरफ कंटिन्यू करने लगते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लव एंड मॉन्स्टर्स अमेरिकन हॉरर पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।